और हम पहले मक्खियाँ लगाते थे तब हमें कोई भी नहीं मिलता था कुछ भी। जब से हमने ये फूल लगाने स्टार्ट किए हैं तब से हमें बहुत कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं फूलों से। और जब ये नवरात्रे चल रहे हैं इन नवरात्रों में हमने ये फूल रखे हैं। ये फूल है डिमांड की है ना फूलों की, ये होते हैं जम्मू में भी, यहाँ की डिमांड ज़्यादा होती है, वहाँ पे वो कम बनते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं इस टाइम फूल हमारे इधर भद्रवाह में। तो ये तभी हमने नवरात्रों के लिए रखे हैं और इस वक्त हम ये भेजेंगे नवरात्रों में। हाँ, भदरवा खास करके हमारे इस गाजोट एरिया में काफ़ी फूलों की सप्लाई होती है और लोग जो है यहाँ से मंडी में फूल भेजते हैं और आज रेट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो अगर हमारे यहाँ ये फूल नहीं होता तो शायद ये जो हमारी जम्मू पूजा के लिए जो फूल लगता है तो उसकी पूर्ति ना होती अगर हमारे इस एरिए में फूल ना बनता। तो पिछले 1 महीने से जो है थोड़ी सप्लाई कम कर देते हैं और नवरात्र के लिए जो है ये फूलों की जो जो सप्लाई है उसको रखते हैं ताकि वहाँ जो हमारी कंजम्पशन है जम्मू में मंदिरों में पूजा काफ़ी पूजा पाठ होती है, बड़े फंक्शन होते हैं हमारे, तो वहाँ पर कमी ना हो और लोगों को रेट भी अच्छा मिले। नवरात्रि की बड़ी डिमांड रहती है कि कब नवरात्रे आए तो हमें कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन नवरात्रे में अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा हमें ये फ्लोरिकल्चर वाले भी अच्छे अच्छे टाइम का दे रहे हैं, अच्छा हमारे साथ तो अच्छा कर रहे हैं, सारा सिस्टम ठीक ही है नवरात्र में। जैसे दिल्ली से आता, लेकिन वो दिल्ली वाला पहले लेट आएगा अभी, तो अभी हमारा ही चलता भदरवाह का जो जो भी है इधर ही से चलता फूल। नवरात्रों के लिए अच्छा रेट भी अच्छा मिलता है लोगों को। ये जो फूल माता के चरणों में चढ़ रहा है तो माता का भी आशीर्वाद है, उसके बाद ये फूल वहाँ पर भी चढ़े उनके चरणों में तो हमें भी खुशी की बात है, उसमें हमें भी बहुत फायदा हो रहा है, तो बाकी हमारा भी गुजारा हो रहा है लोगों का, बाकी कहीं भी नहीं है, यहाँ यहीं हमारे इलाके में ये फूल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। ये वाला काफी है। आशीष जल्दी करो।